नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे चूना खाने के फायदों के बारे में। दोस्तों, श्री राजीव दीक्षित जी ने अपने एक व्याख्यान में चूने के गुणों और सेवन के लाभों का वर्णन किया है। चूने को पान में लगाकर खाया जाता है, इसलिए आप पान वाले से उसकी एक डिब्बी लाकर घर में रख ले। चूना नपुंसकता की एक अच्छी दवा है। अगर किसी के शुक्राणु नहीं बनता तो अगर उसे रोजाना गन्ने के रस के साथ चूना पिलाया जाए तो उसे साल भर के अंदर भरपूर शुक्राणु बनने लगेंगे। और जिन माताओं के शरीर में अंडे नहीं बनते उन्हें भी चूने का सेवन करना चाहिए। और बढ़ते बच्चों के लिए भी चूना बहुत अच्छा है, यह लंबाई को बढ़ाता है। गेहूं के दाने के बराबर चूने को रोजाना दही में मिलाकर सेवन करना चाहिए। अगर दही नहीं है तो आप दाल या पानी में मिलाकर भी इसका सेवन कर सकते हैं। इसके सेवन से लंबाई बढ़ने के साथ साथ श्रवण शक्ति भी बहुत अच्छी होती है। और जिन माताओं बहनों को मासिक धर्म के समय में कुछ भी तकलीफ होती हो उनके लिए सबसे अच्छी दवा है। और जो महिला गर्भावस्था में है उन्हें चूना रोजाना खाना चाहिए, क्योंकि गर्भवती महिला को सबसे ज्यादा कैल्शियम की जरूरत होती है और चूना कैल्शियम का सबसे बड़ा भंडार है। तो गर्भवती महिलाओं को चूना खिलाने के लिए एक कप अनार के रस में एक गेहूं के दाने के बराबर का चूना उसमें रोजाना मिलाकर उसे 9 महीने लगातार दीजिए। इसके 4 फायदे होंगे। इसका पहला फायदा यह होगा कि माँ को बच्चे के जन्म के दौरान कोई तकलीफ नहीं होगी और नॉर्मल डिलीवरी होगी। दूसरा फायदा, बच्चा स्वस्थ पैदा होगा और बहुत हष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त होगा। और तीसरा फायदा है कि बच्चा जल्दी बीमार नहीं पड़ेगा। और चौथा फायदा, ये बच्चा बहुत होशियार, इंटेलिजेंट और ब्रिलियंट होगा। और चूना खाने का अगला फायदा है घुटनों और जोड़ों के दर्द के लिए। यह घुटनों का, कमर का और कंधे का दर्द ठीक करता है। कई बार हमारी रीढ़ की हड्डी की डिस्क हिल जाती है और उसमें दूरी बढ़ जाती है, गैप आ जाता है, जिसे चूना ही ठीक कर सकता है। रीढ़ की हड्डी की सभी बीमारियां चूने से ठीक हो जाती है। अगर हड्डी टूट जाए या टूटी हुई हड्डी को जोड़ने की ताकत सबसे ज्यादा चूने में होती है, इसलिए चूने का खाली पेट दही के साथ सेवन करें। अगर आपके मुंह में छाले हो गए हैं तो चूने का पानी पीने से तुरंत ठीक हो जाते हैं। और शरीर में जब खून कम हो जाए तो चूना जरूर लेना चाहिए। आप चूने को गन्ने के रस में, संतरे के रस में या अनार के रस में डालकर ले सकते हैं। अनार के रस में चूना पीने से खून बहुत तेजी से बढ़ता है। तो दोस्तों, आज आपने जाना चूने के फायदों के बारे में। तो आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो से अच्छी जानकारी मिली होगी। ऐसी जानकारी पाने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।